हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभम और आप सभी को वेलकम करता हूं आज एक नई गाड़ी के रिव्यू पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज है TVS 200 4B। और चलिए इसका रिव्यू बनाते हैं और देखते हैं गाड़ी में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, और देखते हैं गाड़ी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें और गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है वो सब भी जानते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हर रिव्यू की तरह इस बार भी स्टार्ट करते हैं गाड़ी के की से। तो आप सामने देख सकते हो इसका की, और ये आपको वेब कट डिज़ाइन में मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको डुप्लीकेट कोई बना नहीं सकता इतना आसानी से। तो ये रहा सामने गाड़ी, तो चलिए की इंसर्ट करते हैं और देखते हैं गाड़ी के फीचर्स। तो इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका सुंदर सा DRL जल जाता है और लो बीम इसका जल जाता है। इसका ऑल टाइम ऑन वाला लो लाइट है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी का सामने का व्यू, सामने आपको क्या क्या मिल जाता है। अगर सामने का व्यू के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे इल्यूमिनेट डिज़ाइन का आपको DRL मिल जाता है। और तो ये रहा इसका LED हेडलाइट का सेटअप, नीचे आपको मिल जाता है लो बीम और ऊपर ये रहा हाई बीम। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक सुंदर सा TVS रेसिंग का आपको स्टिकर मिल जाता है। तो इस गाड़ी के ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत ही मिनिमल सा ग्राफिक्स मिलता है, ज़्यादा कुछ तड़कता वड़कता हुआ ग्राफिक्स नहीं मिलता है, सुंदर सा मिनिमल सा ग्राफिक्स आपको मिलता है। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, सामने आपको सोवा का सस्पेंशन मिल जाता है, एक जापानीज टेक्नोलॉजी वाला सस्पेंशन सेटअप है। और सस्पेंशन गार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है, मिट्टी विट्टी कुछ भी इसके अंदर जाके लगेगा नहीं। और सामने का टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो आपको सामने मिल जाता है 1917 इंच का रिम है और ये ट्यूबलेस टायर है। पीछे का टायर के बारे में बात करें तो पीछे आपको मिल जाता है 1/30/70 13 इंच का टायर, ये भी ट्यूबलेस टायर है। और अभी बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में, इसके अंदर आपको सामने और पीछे दोनों साइड पे आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ मिलता है। और सामने आपको मिल जाता है 270mm का डिस्क ब्रेक, और ये कुछ ऐसे डायमंड कट डिज़ाइन में है जैसे कि आप देख सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि इसका डिस्क कैलिपर जल्दी ठंडा हो जाता है इस डिज़ाइन की वजह से। और पीछे आपको मिल जाता है यहाँ पे 240mm का डिस्क ब्रेक, वही सेम डिज़ाइन वाला यहाँ पे भी आपको डायमंड कट मिल जाता है। और ये पीछे भी आपको ABS मिलता है। तो गाड़ी के पीछे के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आपको पीछे एक सुंदर सा LED टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है। और यहाँ पे और एक चीज़, आप अगर ब्रेक दबाओगे तो ये वाला लाइट यहाँ पे जलता है, और आपको इंडिकेटर एज यूजल नॉर्मल बल्ब वाला ही मिलता है। और यहाँ पे नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए यहाँ पे एक इल्यूमिनेटेड लाइट भी मिल जाता है जो आपको हेलोजिन सेटअप पर मिलता है। और पीछे का मोड फ्लैप कुछ ऐसा डिज़ाइन का आपको मिलता है, रियल मोड फ्लैप ये है, ये आपको प्लास्टिक पे मिलता है। और अंदर के साइड पे आपको लोहे का सपोर्ट मिल जाता है। बात करें तो यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट के बारे में, ये आपको एज ए एसेसरीज मिलता है। अगर ये नहीं लगवाओगे तो यहाँ पे आपको एक साड़ी गार्ड सिंपल सा मिल जाता है। सो अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। इसके अंदर आपको मिलता है 197 cc का एक ऑयल कूल्ड इंजन। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑयल कूलर यहाँ पर बेस्ट मिल जाएगा, ये ऑयल कूल इंजन है तो ऑयल कूलर यहाँ पर मिल जाएगा। और इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पे एयर वेंट भी दिया है। और ये काउल आपको मिल जाता है प्लास्टिक पे, ये थोड़ा हिलता है क्योंकि यहाँ पे रबर पैडिंग मिला है इसको वाइब्रेशन से रोकने के लिए। और ये भी ब्लैक कलर पे मिल जाता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये आता है एक चेन ड्राइव के साथ, और ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है, इसके अंदर कोई वायर नहीं है, ये सेंसर के जरिए काम करता है स्लीपर क्लच। और अगर पावर प्रोड्यूस के बारे में बात करें तो ये पावर प्रोड्यूस करता है 20 BHP का पावर एट 9000 RPM और 17 Nm का टॉर्क एट 7200 RPM। सो इसका चेन कुछ आपको ऐसे ब्रास डिज़ाइन पे मिलता है, जैसे कि देख कर लगता है ये प्रॉपरली ब्रास का बना है। अभी
बात कर लेते हैं पीछे का सस्पेंशन के बारे में। पीछे भी आपको सोवा का ही सस्पेंशन मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन है पीछे, और ये एडजस्टेबल नहीं है लेकिन सस्पेंशन बहुत ही इसका स्मूथ है और सॉफ्ट साइड पे जब आप इसको हाई स्पीड पे लेके जाओगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा स्टिपर होगा तो ये थोड़ा उछलेगा, तो इसको थोड़ा रेसिंग के पर्पज से सॉफ्ट साइड पे ही दिया है। तो अभी बात कर लेते हैं गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm और सीट का हाइट है 800 mm, और यह शॉर्ट राइडर के लिए भी अच्छा है, आराम से पैर नीचे पहुंच जाएगा। इस पर आपको मिलता है डुअल कट यानी स्प्लिट सीट, राइडर का सीट कुछ इस तरीके का है और पिलियन का सीट कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपको हम्प मिल जाता है, आप स्लाइड ना करो इसलिए। राइडर का सीट बहुत ही स्पेशियस है, जैसे कि कोई मोटा इंसान भी इस पर आराम से बैठ सकता है और पतला इंसान भी इस पर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। और सीट को ओपन करने के लिए इसका की यहाँ पे इंसर्ट होता है। सीट के नीचे आपको ECU यूनिट और बैटरी और एयर फिल्टर सब कुछ इसके सीट के नीचे ही आपको मिल जाएगा। और फुटरेस्ट की बात करें तो सामने आपको यहाँ पे राइडर का फुटरेस्ट ग्रिप वाला मिलेगा और पिलियन का फुटरेस्ट नॉर्मल एल्यूमिनियम का मिलेगा। और गियर शिफ्टर पे आपको यहाँ पे रबर का पैडिंग मिल जाएगा, जैसे कि आपका शू यहाँ पे ख़राब नहीं होगा इसलिए। तो चलिए देखते हैं आप जब गाड़ी पे बैठोगे तो आपको डैशबोर्ड कैसे दिखाई देगा। तो देखते हैं ये आपको वेलकम कैसे करता है। ये रहा की इंसर्ट है, यहाँ पे ऑन करते हैं, ऑन करते हैं यहाँ पे गियर अप और रेसिंग का साइन। हाय सुरेश नायक, आपके राइडर का नाम भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ये आपको वेलकम करेगा। और सो अभी अर्बन मोड पे था और एवरेज स्पीड 24 km, अभी हम चला के आए तो एवरेज स्पीड इसका दिखा रहा है 24 km। तो देखते हैं आपको मीटर पे और क्या क्या शो करता है। बहुत सारा चीज़ यहाँ पे शो करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको किलोमीटर शो करता है अभी तक कितना चला है, और यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर, ये रहा इसका टेकोमीटर, RPM शो करता है यहाँ पे, ये है फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे गाड़ी पे कितना फ्यूल है यहाँ पे शो कर देता है, टाइम शो करता है, ब्रेक स्पीड शो करता है, और यहाँ पे मोड शो करता है गाड़ी अभी कौन सा मोड पे है। तीन ट्रिप मिल जाता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ट्रिप सी। इसके अंदर आपको लैप मोड भी मिलता है और आपका गाड़ी हाइस्ट कितने तक गया है अभी तक वो भी यहाँ पे शो करता है, जैसे कि 122 किलोमीटर तक अभी तक गया है हाइस्ट। 0 to 60 एट 9.9 सेकेंड पे ये गया है। मीटर पे यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे आपको इंडिकेटर शो करता है, ये लेफ्ट वाला इंडिकेटर और ये राइट वाला, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर शो कर देता है, यहाँ पे ABS का लाइट, यहाँ पे आपको इंजन का लाइट मिलता है, जैसे कि इंजन में कोई प्रॉब्लम या सर्विसिंग ड्यू हो तो ये वाला लाइट जल जाता है, और यहाँ पे ये पास वाला स्विच, और यहाँ पे ये हाई RPM का लाइट, अगर आप इसको हाई RPM पे लेके जाते हो तो ये वाला लाइट जल जाता है। और एक बेहतरीन चीज़ इसके अंदर है न्यूट्रल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अगर गाड़ी चलाते वक्त यहाँ पे शो कर देता है कि आपको गियर अप करना चाहिए या डाउन करना चाहिए, यहाँ पे शो कर देता है सब कुछ। ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि नॉर्मल गाड़ी पे गियर इंडिकेटर तो मिल जाता है लेकिन आप कब गियर अप करोगे और डाउन करोगे ये असिस्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ये असिस्ट आपको कर देता है आराम से। अभी बात कर लेते हैं हैंडल बार के बारे में। आपको यहाँ पे एक स्प्लिट डिजाइन का हैंडल बार मिल जाता है, और एक बेहतरीन चीज़ के अंदर इसके अंदर बहुत सारा खूबी है, जैसे कि इसका सामने वाला सस्पेंशन आप एडजस्ट कर सकते हो, ये पेलोड एडजस्टेबल वाला सस्पेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो स्क्रू है इसको आप आराम से किसी भी स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसको आप हाई से लो तक ले जा सकते हो, ये आपका परफॉर्मेंस और राइड क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। और अभी बात कर लेते हैं इसके राइट साइड में। राइट साइड पे आपको एज यूजल यहाँ पे एक्सेलेटर मिल जाता है, और यहाँ पे इंजन किल स्विच, यहाँ पे आपको सेल्फ का बटन मिल जाता है, ये एक स्पेशल बटन है, इसके ऊपर आएंगे, ये मोड का स्विच है तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन का बटन, ये जब गाड़ी ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा तब ये काम करता है। इंडिकेटर का स्विच, ये है हेड डिपर का स्विच, यहाँ पे आपको पास का स्विच मिल जाता है, और ये आपका एज यूजल हॉर्न यहाँ पे मिल जाता है, और इसका RPM कुछ इस तरीके से स्लिक सा डिज़ाइन का मिलता है, और इसका विजिबिलिटी भी मस्त है, थोड़ा दूर तक आराम से दिखाई देता है इसके ऊपर। भी बात कर लेते हैं मोड स्विच के बारे में। इसके अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, जैसे कि अर्बन मोड, स्पोर्ट्स मोड और रेन मोड। तो अर्बन मोड के अंदर गाड़ी आपको 115 टॉप स्पीड तक लेके जाएगा, स्पोर्ट्स मोड पे ये गाड़ी आपको
135 टॉप स्पीड तक लेके जाएगा। और रेन मोड पे होगा क्या कि आपका ABS थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जैसे कि आप अगर ब्रेकिंग भी हार्ड करते हो या कॉर्नरिंग वर्निंग करते हो तो गाड़ी ज़्यादा जल्दी स्कीड नहीं करता है। फ्यूल टैंक भी बहुत मस्त डिजाइन का है, एक साइड पे आपको मिलता है, यह भाई देख के मस्त लगता है जैसे कि कोई सुपर बाइक का फ्यूल टैंक है। और इसका फ्यूल टैंक आपको 12 लीटर का मिलता है। कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे फर्स्ट राइडर का नाम आता है, फिर यहाँ पे सिग्नल दिखा देता है, फर्जी सिग्नल से कनेक्टेड है, और मोबाइल का बैटरी कितना है अभी और मैसेज क्या आया है, और बहुत सारा फीचर्स आपको ब्लूटूथ के अंदर इसके मिल जाता है, जैसे कि क्रैश अलर्ट मिल जाता है, जैसे कि आपका गाड़ी बाई चांस खुदा नखास्ता कहीं पर क्रैश हो गया तो आपका मोबाइल पे जो भी इमरजेंसी डायलर नंबर होगा उस पर यह कॉल कर देगा। और बहुत सारा लैप का फीचर इसके अंदर मिल जाता है, इसके अंदर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके देख सकते हो गाड़ी 0 to 100 कितने टाइम पे पहुंचा, सब कुछ आप देख सकते हो। ओवरऑल ये रेसिंग पर्पस का ही गाड़ी है, अगर आप ट्रैक पे रेसिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यह गाड़ी आपके लिए एकदम सूटेबल है। तो इसके अंदर और भी बाकी सारा फीचर्स जैसे ब्लूटूथ पे मिलता है, नेविगेशन का फीचर्स एक्यूरेट काम करता है पूरा, और इसके अंदर कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट सब कुछ मिल जाता है। सो अभी सुन लेते हैं इसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है। तो भैया स्टार्ट कीजिए। सो एज यूजल हर TVS की तरह इसका भी एग्जॉस्ट नोट बहुत ही स्पोर्टी है, और आपको इसके एग्जॉस्ट नोट थोड़ा बेसी और बहुत ही सूदिंग ही मिलेगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है इस गाड़ी के बारे में, अगर आप 200cc के अंदर एक स्पोर्टी बाइक ढूंढ रहे हो जो आपको अर्बन राइड और स्पोर्ट्स राइड के लिए सूटेबल हो तो ये वाला गाड़ी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसके अंदर आपको बहुत सारा स्पोर्ट्स रिलेटेड मोड्स मिल जाता है और अर्बन के लिए भी मोड्स मिल जाता है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो इस वीडियो से। सो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।